हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सारो रसोई में। मैं हूँ अनीता वर्मा और आज हम बनाएंगे काजू कतली। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने काजू कतली बनाने के लिए क्या लिया है। यहाँ पर मैंने एक कटोरी काजू लिया है, आधा कटोरी चीनी लिया है। तो यही आपको मेजरमेंट रखना है काजू कतली बनाने के लिए। काजू कतली आपके बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और यहाँ पर आधा कप दूध लिया है चाशनी के लिए। और ये 2 चम्मच मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले काजू कतली बनाने के लिए हमको इसका पाउडर बनाना होगा काजू का। आप इसकी जगह टूटे हुए काजू भी ले सकते हैं, जो आपको सस्ते पड़ेंगे और मिठाई आपकी बहुत ही सस्ते में बनकर तैयार हो जाएगी। और आपको यकीन भी नहीं होगा फ्रेंड्स, ये मिठाई जितनी ज्यादा महंगी मिलती है और जितनी ज्यादा टेस्टी लगती है, उतनी ही जल्दी ये बन भी जाती है। मुश्किल से इसमें 5 या 7 मिनट लगता है। तो चलिए इसको फटाफट से बना लेते हैं। पहले इसका हम पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बनाने के लिए हमको काजू को थोड़ा थोड़ा लेना है और जो मिक्सर है उसको हमें रोक रोक कर चलाकर इसको हमें पाउडर बनाना है, ना कि हमें एक साथ इसको चला देना, नहीं तो इसका पेस्ट बन जाएगा। इस चीज का आप खास ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, पाउडर हमारा तैयार हो गया है। मैंने इसको छलनी से छाल लिया था और जो छोटा मोटा मोटा बचा था उसको मैंने फिर दोबारा से पीस कर इसमें डाल दिया है। तो अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। गैस को हमने ऑन कर दिया है और चीनी को इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध की जगह फ्रेंड्स आप पानी भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फ्रेंड ज्यादा अच्छी बने। इसमें मैंने 1 चम्मच जो दूध है वो बचा लिया है। बस इसको हमको चाशनी बनानी है, तो पहले हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। एक तार की चाशनी नहीं बनानी, एक तार से थोड़ी सी कम होनी चाहिए, यानी कि पहले हम इस चीनी को अच्छे से घोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, चीनी है जो हमारी अच्छे से घुल गई है। बस इसको 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा और पका लेते हैं। हमें इसकी तार की चाशनी नहीं बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो झाग इसमें आने लगे हैं, अब इसमें हम गैस को एक बार बंद कर देते हैं, नहीं तो इसमें थोड़े से लम्स हो जाते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी से मिलाया नहीं जाता है। अब इसमें हम ये पाउडर भी डाल देते हैं और इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं फटाफट से। गैस को हमने ऑन कर दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट के लिए करीब पकाएंगे। ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाता है और फिर अगर ये ज्यादा ठंडा हो गया तो ये बहुत जम भी जाता है। तो इस चीज का हमें बस ध्यान रखना है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस इसको हमें 2 मिनट तक, ताकि ये इकट्ठा हो जाए एक जगह, डो के रूप में आ जाए, बस 2 मिनट तक हमें इसे ऐसे पकाना है मीडियम फ्लेम पर। और काजू कतली फ्रेंड्स बनाने के लिए घर में अगर आपके पास अगर एल्युमिनियम का बर्तन हो तो वो चिपकता ज्यादा इस तरह, इसलिए आप इस तरह का नॉन स्टिक लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें चिपकेगा नहीं और काजू का पेस्ट बहुत जल्दी, देखिए आप ये कढ़ाई में जो है छोड़ने लगा है। देखिए फ्रेंड्स, 2 ही मिनट हुए हैं और इसने जो हमने पेस्ट बनाया है, मैंने गैस को कर दिया है बंद। इसने पूरी तरह से कढ़ाई है जो छोड़ दी है। अब इसमें हम आधा चम्मच घी डालेंगे, आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन बस इतना ही डालना है कि ये थोड़ा सा इससे अलग हो जाए और अच्छी तरह से इसमें जो लगा हुआ है। तो अब इसको हम इसमें थोड़ी देर और चलाएंगे इसी तरीके से, ताकि एक डो के रूप में ये हमें इकट्ठा हो जाए। तब तक हम इसको ऐसे ही चलाएंगे, फिर ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा, डो के रूप में आ जाएगा, तब हम इसको बेलेंगे बर्फी के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से इकट्ठा हो गया है, ये ठंडा नहीं हुआ है, हमें इसे और थोड़ा ठंडा करना है इस तरीके से। आप चाहे तो इसे प्लेट में निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ना प्लेट में निकाल लिया था क्योंकि कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म थी, तो उसमें ये ठंडा नहीं हो रहा था। ज्यादा ठंडा भी नहीं करना है, बस इतना ठंडा होना चाहिए कि हाथ अगर हम इसे लगाएं तो हमारा जो हाथ है वो जले नहीं। और अब ये हमारे बेलने वाली उसमें आ गया है एकदम डो की तरह, इसमें हम हाथ लगा सकते हैं, हाथ नहीं हमारा जलेगा, उस तरह का हमें इसको ठंडा करना है। तो मैं इसको पहले अच्छे से इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर इसकी हम एक लोई बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी एक लोई बना ली और मैंने यहाँ पर थोड़ा स्लैब पे घी लगाया है। आप चाहे तो इसे एल्युमिनियम फॉइल पर या फिर पॉलिथीन पर, आप इसे किसी पर भी बेल सकते हैं। और ये इतना ठंडा हो गया है, देखिए आप, हम इसको अच्छे से उठा सकते हैं। और मैंने बेलन के ऊपर भी ये लगाया हुआ है, घी लगाया हुआ है, ताकि ये चिपके ना।
और बर्फी का आकार कितनी आपको मोटी रखनी है, कितनी आपको पतली रखनी है, वो आप अपने हिसाब से उतना इसको बेल ले। तो फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे से बेल लिया और मैंने इसको चौकोर में बेला है ताकि हमें इसे काटने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स ये हमें अभी 5 मिनट या 10 मिनट के लिए थोड़ा सा ये टाइट हो जाए, टाइट हो गया है बस, फिर इसके बाद हम इसको काट लेंगे। जो भी शेप आपको पसंद हो उस शेप में हम इसको काटेंगे। अब इसको हम काट लेंगे, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसको हम टाइट हो गई है हमारी ये काजू कतली। को जमने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ये जम जाती है। अगर इसको आप ज्यादा जमने देंगे तो इसके जो पीसेस हैं वो इतने अच्छे से नहीं कट पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने जो काजू कतली है उसको काट लिया। आप चाहे तो इसके ऊपर कवर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे पूजा के लिए बना रही हूँ और आज आपको पता ही है कि वो अनहेल्दी भी होता है और ऊपर से वो नॉनवेज होता है, तो मैं उसे नहीं लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। और जो हमारी बर्फियां हैं बहुत ही आसानी से निकल रही हैं, आप देख सकते हैं मैंने इसको डायमंड शेप में काटा है। आप देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनकर तैयार हो। तो देखिए फ्रेंड्स एक कटोरी काजू में हमारी कितनी सारी काजू कतली बनकर तैयार हुई, करीब 1/2 kg ये से थोड़ा ही कम होगा, करीब 100 ग्राम यानी कि 400 ग्राम जो हमारी काजू कतली है वो बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन गई है। और ये रेसिपी फ्रेंड्स मेरे एक फ्रेंड ने पूछी थी कमेंट पे, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर हैं मनोज, जिसका नाम भी मैं जानती हूँ। और फ्रेंड्स ये तुम्हारे लिए है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।